हुण तुहाडे सामने शायरे वाले बैत आली जनाब किबला जाकरे वाले बैत अफजाल हुसैन जाफरी साहब जिक्र मोहम्मद वाल मोहम्मद बयान फरमाणगे। मैं मोमिनीन अगल तमास करना जिहड़े पिछे बैठे हो तुसां मिंबर दे सामने तशरीफ लैओ ते जिहड़े मोमिनीन बाहर खड़े हो तुसां भी पंडाल दे अंदर तशरीफ लैओ। किबला दी आमद करना चाहना चार सत्रां तों मालिक कायनात बानियन मजालस की मेहनत नूं पाक अली असगर बादशाह की अजमत दा सदका कबूल तो मंजूर फरमान। जितने आए हो बैठे हो बिस्मिल्लाह जी बाबा जी मालिक कायनात पाक अली असगर सरकार की अजमत का वास्ता पाक सहनशाह की अजमत का वास्ता बाविरन जे मेरे जुम्मे दुआई लाई दुआवं लाइया ने मालिक कायनात इन्हें दुआ शर्फ कबूलीयत ता फरमाए। कौन अली असगर किबला की चार सत्रां तों आमद करना चाहना। होते हैं जिसमें सबके अरीजों पे दस्तहत। कौन अली असगर बादशाह बाबा जी। होते हैं जिसमें सबके अरीजों पे दस्तहत झूला तेरा है आज भी दफ्तर हुसैन का। होते हैं जिसमें सबके अरीजों पे दस्तहत झूला तेरा है आज भी दफ्तर हुसैन का। और असगर ने हंस के पूछा ये हुरमलैन से। असगर ने हंस के पूछा ये हुरमलैन से ओए 9 लाख क्या बिगाड़ेगी मिलकर हुसैन का। हैदरी हुण तुहाडे सामने शायरे वाले बैत अफजाल हुसैन जाफरी साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाणगे और इन्हां दे फौरन बाद जाकरे वाले बैत अल्ताफ हुसैन मैरसी साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाणगे। सारे बाबाजे बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। जिस तरह बैठे हो सारे इस तरह एक सलवात पढ़ो साइया की जात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाराए तकबीर। अल्लाह अकबर का मतलब होता है कि अल्लाह वड्डा है। तो जिहड़ा अल्लाह वड्डा होवे उहदा नारा फिर वड्डा ही मारना चाहिए। नाराए तकबीर। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। नाराए हैदरी। नाराए हैदरी। हुसैनियत। हुसैनियत। यजीदियत। यजीदियत। अपनिया अपनिया जबाना मुअत्तर करो आले मोहम्मद ते दरूद पढ़ के। मौला इमाम हुसैन बादशाह तुहाडा सब दा टोरा आया अपनी बारगाह विच मजूर फरमान और इन्हां लजपाला सरदारा दा साया साडिया सिरा ते कायम रखे। बुढ़ा बंदा आ ते बीमार भी रहना आ ते सरदारा दा वास्ता पा के बारे लाहा तेरी मैं बारगाह विच दुआ पे मंगना मैनू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। लजपाला फरमाया भी बाबा जी तुसा भी झट पढ़ना है। मैं सिर्फ ड्यूटी थोड़ी जी देनी है। एक गल मैं कर सकना मैं तुहाडे सामने जिहड़ा खलोते हाँ मैं बाबे रहमन दा शागिर्द हाँ। मेरा पुत्र नहीं उहदा शागिर्द हाँ ते शकरी शागिर्द हाँ। इन्हां दोवां भरावां दा बाबे रहमत दा बाबे अहमदली दा हरैत दा मैं त्रवां दे शक्कर रखी है। जिन्ना चिर मैं पढ़ा दा सदका आले मुहम्मद दा तुहानूं ना लब्भे तां बहु फड़ के मैनूं ला छड़िओ। इन्हां मैनूं यकीन है वह भी इन्हां दी जद दा आसरा है और मेरे विच गल कोई नहीं। शागिर्द उही हुंदा पुत्तर उही हुंदा जिहदे विच उस्ताद दी प्यो दी खुशबू आवे। ठीक है। मैं अक्सर ही कहती सरदार अंबिया की पढ़ता रहना। नबिया दे सरदार फरमाया याली अंता बे मंजरा तिल कोतोबे। मैं मजल शुरू कर लईए। तुहाडा बोलना तुहाडा ना बोलना ये मेरे ते कोई फर्क नहीं। मैं तो सबक सुनाना इन्हों ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह अली वली अल्लाह। असीं इन्हां दे सामने पढ़ ही नहीं सकते। साडी की ताकत इन्हां दे सामने पढ़ीए।
जिन्हां दे घर दे नौकर फरिश्ते ने, जिन्हां दे दर्जी जबरील, दर्जी इन्हां दा जबरील है, साडा नहीं, साडा तालब है। वो दिल करे कपड़े सिवें, दिल करे ना सिवें, इंज गल कि नहीं, इन्हां दा दर्जी है जबरील, साडा दर्जी है तालब। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਂਡਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਲਾਲੇ ਮੂਸਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਖੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਦੇ ਹਾਂ। मैं सरदार अंबिया दी हदीस सुनानी है, सुन दियो पे सारे। या अली अंता बे मंजला तल कुतबे, या अली तू कुतबे किथे मराड़ियां विच नाल चाकाली लोसरा विच निंदोल ना 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 बैन समावत वाला अर्जीन तू सत्ता जमीना ते सत्ता आसमाना दे दरम्यान कुतबे, तू सत्ता जमीना ते सत्ता आसमाना दे दरम्यान कुतब है। आह मुसलमाना पता करिए कुतब किनू आखीद, पता करना चाहिए ना। कुतब आखीद किली नू, किनू आखीद बोलो? आ पटवारी वाली किली नहीं, किली वो जिहड़ी चक्की दे दो कोड़ां दे विचकार हुंदी सी। आ जिहड़े पुराने बंदे ने उन्हां चक्की वेखी है, अज दियां बच्चियां नूं नहीं पता। साडियां मावां भैणां दा काम हुंदा सी सवेरे उठना बिस्मिल्ला पढ़ के चक्की फेरनी, नाल गाला पैणा, वेख दिओ गाला भी पैंदा पिया, चक्कर भी पिया हुंदा। जिहड़ा दाणा किली नाल लग जांदा सी उह भावें छोलियां तों हुंदा सी बच जांदा सी, जिहड़ा किली नाल लग जांदा सी भावें छोलियां तों हुंदा सी बच जांदा सी, जिहड़ा किली नूं छड़ जांदा सी भावे कसकास दलिया गया। सरकार का फरमान है, मेरा वीर अली तेरी मिसाल उस किली वाली है जिहड़ा तेरे नाल लग गया बच गया, तेने जनू छड़ दिता दलिया गया। बिस्मिल्लाह, मौला तुहानू सलामत रखे, मौला तुहानू सलामत रखे, मौला तुहानू सलामत रखे, मौला तुहानू सलामत रखे। तेरी मिसाल उस किली वाली आ, ते फिर मनु आखना पैंदा जेकर आप भी होवीए रज भैड़े, जेकर आप भी होवीए फड़िया मुरशद भी अगुनाकार होवे, आप भी बंदा भैड़ा होवे ते जड़ा मुरशद होवे अपने नाल भी भैड़ा होवे, हैं उहदा नतीजा दसो। जेकर आप भी होवीए रज भैड़े, जेकर आप भी होवीए रज भैड़े फड़िया मुरशद भी अगुनाकार होवे, फिर समझ लो सने मुरीद मुरशद बेड़ा क्यों ना गर्क विचकार होवे। होया सी जे गुलामे दे कोट बेड़ी डुबी सी, डुबी सी पीर समेत, वो दुनियादारा दा पीर सी ना, बेड़ी जल वे अध विच गई ना, ते पीर साहब ने आख्या शेख नूं ढोल मार, उन्हें आख्या जनाब ये बेड़ी है बंदे उठ के नचण लग पैना ते करे बेड़ी ना मुद्दी हो जाए। पीर साहब ने आख्या घबराने की लोड़ कोई नहीं, असीं वेची हाँ, असीं वो पीर अजे भी बिच उहदा पता नहीं लगा गया किधर है। माशाल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। लो जी मेरी गल की ताइद हो गई है, वो पीर विच ते मरीद एक दो ढोल नहीं होंगे जो बजाते हैं, और ढोलों का आसरा लैके दंदे लगे ने बन्ने उंज, फिर मनु आखना पै गया ना भी पीर लानू ढोल ही चंगा जो दो जाना बचा गया। फिर आखना पैदा जेकर आप ही होइए रज भैड़े फड़िया मुरशद भी अगू, फिर समझ लो सुने मुरीद मुरशद बेड़ा क्यों ना गर्क।
आ तुम मैं मत दवा मेरे मुर्शद अली का जो नाम सच्चा वो मेरे सोहने अली का है नाम सच्चा नाम लंदे ही बेड़ा पार हो ते दमन उस मला का चल न पीए जिदा खिजर भी ताबेदार हो माशाल्लाह 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 बिस्मिल्लाह दमन उस मला का चल न पीए जिदा खिजर भी मौला तुहानू सलामत रखे मैं आ गया अपनी गल ते आ गया जो मैं तुहानू सुनाना सी मैं उस मुकाम ते आ गया मैं सिर्फ तुहाडी तवज्जो करनी सी तुहाडी तवज्जो हो गई है सदका या अली दे बच्चियां दा या अली दे बच्चे बैठे ने इन्हां दा सदका इंशाअल्लाह जिन्ना चिर बवो दे घबराण ले नहीं तुसी स्वाद आउंदा नहीं पिया मौला तुहानू सलामत रखे अली सरदार दा मैं नाल लैके इक गल कर लिया बड़े वक्त ने उन्हां बंदियां दे बड़े वक्त ने जिन्हां दे दाने घर दे होण या जिन्हां दे दो पुत्र अमरीका होण अल्लाह की कसम नहीं बड़े वक्त ने उन्हां बंदियां दे जिन्हां दा मुर्शद अली इमाम है ठीक है बाबा जी मौला तुहानू सलामत रखे बड़े वक्त ने उन्हां बंदियां दे जिन्हां दा मुर्शद अली इमाम है ते एक चेता रखी कायनात विच अली ओ इमाम है जिहड़ा अपने मां ते प्यो दा भी इमाम है बिस्मिल्लाह माशाल्लाह 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 कायनात विच मेरा ते तुहाडा मुर्शद अली ओ इमाम है जिहड़ा अपने मां ते प्यो दा भी इमाम है ये मैं क्यों गल कीती है कुछ इंज दे भी इमाम आए ने तारीख विच जिन्हां नूं घर दिया नहीं मनिया जिन्हां घर दिया नहीं मनिया ते चेता रखी इमाम आंदा कौन है जिहड़ा नबी का नायब होवे उम्मत का इमाम हुंदा नबी का नायब उम्मत का इमाम ये नबी असीं बनाने कल्ला बनांदा ते जदों नबी उह बना के टोरदा फिर इमाम भी जा उहदा काम है ते जा नबी का काम ऐलान करे मैं पाक हुसैन दी जरी ते हथ रख के पियाना मैं सारी जिंदगी मेहनत करके नहीं पढ़िया मिंबर ते आया जो दिमाग में आया शुरू हो गया बस अब तुहानू वेख के तो मैं शुरू कर दिता है नबी मिन जान भी अल्लाह ते इमाम वह भी मिन जान भी अल्लाह होंदे ने ए जिहड़े ने ना ए इमाम ए जिन्हां नूं असीं आने आ ए इमाम नहीं आण ए कौन ने पेश नमाज कौन ने ये जिहड़े साडे पेश पै गए ने ए पेश नमाज ने ये जिहड़े इमाम ने दुनियादार ये इमाम नहीं मेरे नाल वाकिया होया है एक पिंड मैं हतम ते गया कुल्ला दा हतम सी गल मैं ज़हन विच आ गई तो मैं करके अगली अगां चलिया हतम पे हुंदा सी वो घर दा मैनूं आंदा भी तुम्हें एक सूरत पढ़ के ना इमाम साहब दे मिल कर दई वो इमाम साहब फिर अदिया कर देण ते समझ आउंदी है पई घबराते नहीं गए वो सारे बह गए सी वेख्या कि उन्हां दा इमाम वह भी अंदर आ गया उहदी टोर पता किंज सी ए ऐ पैर घसीट के टुरदा सी पिया पैर बोलो घसीट के टुरदा सी पिया मैं चुको पुछया मैं ए कौन ने आखे साडा इमाम है मैं क्या कौन ने साडा इमाम है मैं क्या चंगा इमाम है जिन्हें सारी गली का रूड़ा ऊंझ के टोड़े वेड़े लैंदा ए इमाम है उन्हें सुन लिया वो हतम जब पढ़ रहे ना बाद विच मनु आंदा दिहाड़े कयामत तुसा साडे पिछे ही उठना दिहाड़े कयामत साडे पिछे मैं क्या ला ले ला ला मुहम्मद रसूल अल्लाह तुहाडे कोलों अपने कोलों नहीं उठणदा पिया ते तुहाडे उठदियां नूं कयामत लंघ जाणी है ठीक है मनु आंदा ते फिर इमाम किनू आंदे हो मैं क्या इमाम कुल्ला शायर आसैन ऑफी इमाम मुबीन इमाम तो सीने में खुशदार का इलम है तो सीने तो अखबार कहता तो अलहमदुल्ला माशाला तो साडा सीना मैं क्या निरी बलगम जे मैं क्या निरी बलगम कम हो गया मैं क्या चुप कर जाने जिन्हों तू मुकाबला पै करना है ना
उन्हों का बहना भी कुरान है, उन्हों का उठना भी कुरान है, उन्हों का बोलना भी कुरान है, उन्हों की हर गल कुरान है। वो इमाम वखरे ने, सलवात पढ़ो साइया की जात। मैं गल की है तुहाडे बड़े वक्त ने जिन्हों का अली इमाम है, कायनात विच मेरा ते तुहाडा मुर्शद अली वो इमाम है जिहड़ा अपने माँ ते प्यो दा इमाम है। इंजे गल ये मैं की ना अपनी गल, साढ़े बड़े वक्त ने उंज अली दे वक्तां दा कोई अंदाजा ही नहीं ला सकता। अली दे अपने वक्त किड्डे कने, समझ आउंदी भी सारिआं नूं? अली दे अपने वक्तां दा कोई बंदा अंदाजा नहीं ला सकता कि अली दा अपना वक्त किड्डा है। ये मैं नहीं गल की, मुसलमान दे खलीफा ए दौम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अनहो वह फरमाते ने, काश कदे त्रों विचों मैनू एक लभ जाती मेरे मुकद्दरां दा जोड़ को नहीं सी। बोलना जे बोलना जे, काश कदे मैनू त्रों विचों एक लभ जाती तो मेरे वक्तां दा सुहाबा आख्या जनाब हूँ चढ़दे तू लैके डुबदे तक उम्र उम्र होंगी है भाई। बच्चों की जबान थी उम्र, बड़िया की जबान उत्ती उम्र, और छड़ के मलंगत की जबान उत्ती उम्र है, हर बंदे की जबान थी उम्र उम्र। ये अजय भी असरत उन्हें आख्या जनाब है कि आख्या हैबर विच अलब लभ जाता, हैबर विच बोलो यार हैबर विच। अच्छा या माशर आला झंडा वो जिदा एक फरेरा चढ़ते एक लेंदे, एक दखण एक पर्वत। सुहाबा आख्या जनाब ते एडा वड्डा चुके दा कौन? सरकार मुस्कुरा के आंदे ने जिहड़ा हैबर आला चुक सकदा माशर आला भी ओही चुकदा। ते या पाक बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दा रिश्ता, या पाक बीबी का रिश्ता, या हैबर आला बोलो अलम, या माशर आला झंडा, इन्हों त्रवों विचों मनु एक लभ जाती तो मेरे मुकदरों का यार इंसाफ कर मर जाना चौक फना दी आ हिसाब नहीं देना। वो पाता इन्हों त्रों विचों मनु एक लभ जाती मेरे वक्तों का जोड़ कौन सी जिन्हों त्रैवे लभ जा। वो जिन्हों त्रावे लग जाए वक्त का कोई जोड़ है? अली सरदार बैठे ने तो जो मेरे पास घबरात नहीं गए, अली सरदार बैठे ने। होया की है, एक जवान आया बाहरू आके असनैन तो बाबे नूं आंदा इन्हां विचों अबू तालिब का पुत्र अली केड़ा है? मौला मुस्कुरा के आंदे ने मैं हाँ। आंदा मौला बड़ी दूरों आया, बड़ी सरकार मुस्कुरा कहते हैं मैंने पता है तो कितों आया, मैं अबू तालिब का पुत्र हाँ, मैं इल्मे रसूल का हकीकी वारस हाँ, मैंने पता तू कितों आया, यह भी मैंने पता तेन किन्ने डोरिया क्योंकि मैं इमाम हाँ, यह भी मैंने पता तेन किन्ने डोरिया, तो यह भी मैंने पता आया किहड़े काम है आया किहड़े। आता बोला गुरबत ने बड़ा परेशान किए है, गुरबत ने बड़ा सरकार मुस्कुरा के आंदे ने किन्ना के किता है? ए जनाब जे सवेर की रोटी लभ जाए तो शाम की नहीं लभदी, समझ आउंदी है भी? जे शाम की लभ जाए तो सवेर की। अच्छा सरकार आंदे ने मेरे तो मुकाबले में इस वेले बड़े बड़े गनी ने, बड़े बड़े सेठ ने, अगर तुहानू आखण एक करोड़ रुपया लै लै ते अली दी गुलामी छड़ दे, एक करोड़ रुपया लै लै अली दी गुलामी छड़ दे, छड़ दे तो आंदा जनाब ए करोड़ आख्या जे? सरकार आंदे ने दो लै लै। जनाब दो आख्या जे? सरकार आंदे ने त्रै लै लै। इहदा जवाब सुणदे आंदा बौला तुसी करोड़ों की गल करते हो, मैं उस वक्त ते लानत पाना जिहड़ा तुहाडी मुहब्बत तो बगैर गुजरे। आह
मैं उस वक्त उत्ते जड़ा थोड़ी मुहब्बत हो हूँ अगली गल सुननी है। असनैन दे बाबा इंज वेख के तो सरकार मुस्कुरा कहते ने अये भी गरीब है जैगम वो जिदी करोड़ों से ध्यान नहीं पे पता अये भी गरीब है आता बोला अच गलबात गुजारा नहीं होना अच गलबात गुजारा नहीं होना अच कुछ दो सरकार ने फिर इंज कर लै ए तू सीधा मूह कर ला यमन के पासे किधर मुल्क यमन का बादशाह उन्हें इश्तहार छाप छाप के लाए ने उन एक शेर का पहला मिसरा याद है तो अगला नहीं याद बिस्मिल्ला एक शेर का पहला मिसरा उन्हें बिस्मिल्ला याद अगला नहीं याद उन्हें आख्या जरा अगला मिसरा याद कराएगा उन्होंने अद्धी शहीद का घबरा घबरा तो नहीं गए मौला सलामत रखे आता मौला मनू तो शेर आमदा ही नहीं सरकार आते ने मेरा काम है तेनों याद कराना तो मौला यमन में किस तरह जा मेरे को तो किराया कौन नहीं सरकार आते ने मेरा काम है टोरना मेरा काम है तेनों सजदा मैं तेरे दादे की गल सुना रहा सरकार ने पता की आख्या हूँ अली उन्हें यमन टोरन लिया वेखना मेरे वालों यमन किंज गया वो जवान वो मलंग सरकार ने अखा मीट अखा हूँ यमन जाना हो तो अखा मीटी दिया ने तुम दसो असा जो जाना हो फिर अखा मीट छे वेखो अली लाजपाल की क्या बात है सरकार आते अखा मीट उन्हें मीटी और सरकार ने खोल भी लैके एना चिर लाई दौड़िया खोल भी लै उन्हें अखा खोलिया तो यमन खलोते आ कितने खलोते आ जा के उन्हें पानी शानी पीता फौज खा लिया सामने बादशाह का दरबार लगे आ गया सी अगला मिसरा पढ़ने वास्ते अगला मिसरा पढ़ने वास्ते गया देखिया की है सामने जनाब कुर्सियां ते खुदाई बैठी है ये जड़े सन संगतरी बाहर खलोते मुलाजम उन्होंने मोडा ला के दो मिनट मन भी टाइम तो मैं भी अगर जाना मैं भी वह संतरी सन जड़े उन्हें आखिया तेरा नहीं कम मार ध्यान अगे इतने बड़े इलम वाले नहीं बैठे इतने बड़े उन्हें आखिया अल्लाह की कसम है ये इलम वाले नहीं इलम वाला मैं हाँ जड़ा इलम के बूहत उठ के आना पाया इलम वाले नहीं हूं ये काले इलम वाले नहीं हाँ इलम वाला मैं हूं जेड़ा इलम दे बूहत उठ के आना पाया बादशाह ने वेख्या उन्हें आख्या मे दरवाजे तो रौला क्या पे है उन्हें आख्या जनाब है कि चल है तो यह आंदा भी अगला मिसरा मैं पढ़ना अगला मिसरा बादशाह ने सोचा भी मलंग लोग होंगे ने तो होंगे ने बड़े जिद्दी उथे रे तो इन्हें इन्हों टिकट नहीं देना यह बुला लो अगर चलो होर कुछ नहीं आराम बह तरवे दल उन्हें आख्या इनू आमन दो इनू मलंग ने कड़ा कम किया टुटता टुटता जाके सीधा जनाब जी बादशाह का जरा सी ना अगे तखते पे आ उ ला के तो अपनी जुत्ती तर छड़ी नाल वाली जी कुर्सी थी ना बादशाह की वो तो बह गया बादशाह ने देखा उन्हें आखिया कहो जहा बंद वेखो महंगी तो महंगी जुत्ती हो एक बंदा 50,000 की जुत्ती ले आता है तो की ख्याल है पैरी पाता कि महंगी समझ के फ्रिज में रख छड़ भैया महंगी है तेन सामभ छड़ो या उन्हें बक्से में रख छड़ पैरी पाता हूँ अली का मन वाला है उन्हें कहड़ा काम किया वह अपने पैरों की जुत्ती ला के उन्हें वो मेज से धर छड़ी है उन्होंने दसिया भी टोटे सारे नालों मेरी जुत्ती अफजल है क्यों जी मैं अली का मन वाला हाँ बादशाह के पास मुंह करके आता हाँ भी बादशाह सुने तू को बड़ा वड्डा दावा किया बादशाह ने आख्या कि तू आख्या जरा अगला मिसरा सुनाए था उन्होंने अद्धी शाही दादा
अहया उन्हें आखा फिर घबरा ना मैं आ गया हूं स्वाद आता जी पिया मौला सलामत रखे मौला सलामत रखे मैं बादशाह ने आख्या पढ़ उन्हें आखा ना इंज मैं भी नहीं पढ़ना तू सवाल किते है तू सवाल किता है तो सवाली का काम है खड़ो के सवाल करना कुर्सियां बह के हुक्म चलाई देने कुर्सियां बह के हुक्म चलाई देने तू साहल है मेरा भी एक मुतालबा है केड़ा उन्हें आख्या जिते तू बैठा उत्थे मनु वाल जिते तू बैठा सारे बोलो जिते तू बैठा ते जिते मैं खलोते हैं उत्थे तू खलो बादशाह ने आख्या करमा लिया इना ध्यान मार ए अगे नजर आते नहीं पे मलंगा का वाकई है तो बेशुमार ने ये तो ढेर सारे ने बैठे जिन्हें ने आखा ने ढेर सारे ने बैठे बादशाह ने आख्या फिर मैं दस की आखिया जी उन्हें आख्या जिते मैं बैठा उत्थे तू आ जाते तेरी जगह पर हूँ मैं दसो जरा बादशाह की कुर्सी पर बैठ जी वह कौन होंगे सारे बोलो वह कौन होंगे बादशाह की कुर्सी पर बैठ गया मलंग कितने बैठ गया बादशाह की कुर्सी पर कौन मलंग ते मदीने के पासे मुंह करके आंदा यार ही तेरे बच्चे जमन शेर पढ़िया नहीं कुर्सी लभ भी गई है शेर पढ़िया नहीं कुर्सी लभ भी गई है हां बादशाह पढ़ा शेर बादशाह ने शेर पढ़िया ये फारसी जबान का शेर है मैं तुम्हें तो सुना इंशाला मनो ये भी फारसी आती है इंज वेख के ना बादशाह उन्होंने आंदा जोराए शेरे शबद जोराए शेरे शबद आबो बपादारी है दिल जोराए शेरे शबद आबो बपादारी है दिल वो केड़ी चीज है जिदा ना लीए तो शेर का पिता पानी पानी हो जाता है ये किने आख्या जिंदाबाद ये आके सुन अल्लाह की कसम ये आके जोरा है शेरे शबद आबो बपादारी है दिल वो केड़ी चीज है जिदा ना लीए शेर का पिता पानी पानी हो जाता है बलंग बोलिया उन्हें आख्या असदुल्ला हिल माले बां मददगारी दिल ओली सरदार का ना है जिदा ना लीए तो शेर का पिता भी पानी पानी हो जाता है बादशाह हैरान परेशान उन्हें आख्या वेख मैं एडे एडे आलमा ने पूछा मैं किसी नहीं दसिया ये मलंग बेअजामता जे है सिर दे वाल भी उड्डे दाढ़ी दे भी उड्डे नक दे भी वधे ने मुछा भी उड्डिया बेअजामता जे बंदा ते ने मेरा मसला ही हल कर छड़िया उन्हें आख्या ते तनु तनु ये शेर याद कने कराया सुन दे पे तनु शेर बोलो याद आंदा मेरे मुर्शिद ने मेरा मुर्शिद ने उन्हें आख्या मुर्शिद रहिंदे किथे नहीं इहे मदीने किथे रहिंदे ने उन्हें आख्या उत्थे दे रहिण वाले ने उत्थे दा मतलब जानदे हो भी उत्थे दे ने कि किहड़े बाहरों आए ने उत्थे दे रहिण वाले ने इहे नहीं किथे दे ने उन्हें आख्या उत्थे दे उन्हें आख्या दो भरा ने वे का नाम मुहम्मद तो निके का नाम वा तो किसी को आखदा कख नहीं हो तो निका छड़ा नहीं हो अच्छा ऐण कदू का ने उन्हें आख्या ऐण का तो मनु को नहीं पता वो जेडे वे बादशाह ने उन्होंने बारे मैं सुनया कुन तो नबी जन आदम बैन लमाए बत्तीन अये आदम नहीं सी ते अली दे बारे जानना आंदा आ अली का मैं पता है अहे वो की आंदा आदम का कहीं नाम ना था जब से अली है तुहाडी क्या बात है जेड़ा मैंने पढ़ा गए हो आदम का कहीं नाम ना था जब से अली है उन्हें आख्या फिर तेन अपने पीर का वास्ता ही शायद मैं तेन अदी दे छड़ी है तू हूँ इंज कर
मनु अपने पीर की ज़ियारत करा। वह मलंग ला के आ गया किथे मदीना शरीफ अली सरदार बादशाह के घर सामने नबिया का मुश्किल कुशा ताजदार हलता मालिक इन्ना मा वो मैं इंज क्यों ना खा नुकता बाई बिस्मिल्ला दस्ते किबरिया मालिक मरजा तिल्ला तुहाडा ते मेरा मुर्शद अली सरकार सामने बैठे वो मलंगा ते ओ ही मेरा पीर ओ मेरा पीर ही वह बंदियां विच फिरदा फिरदा जाके सरकार दे पैरीं डिग पिया। सरकार दे उह पंज सत मिंट पैरीं पिया रहा। मलंग ने दिल विच सोचिया भी क्यों जो उस काम हो गया वे इहनू ला के वेखा इंज लाया ना तो बादशाह ने अख पट के वेख्या उत्तों मलंग लुआने मलंग वेख के तो बादशाह का करम आया अद्धी शाही दिती है मैं तैनू शेर पढ़ने विच अद्धी जिहड़ी मैं तैनू शाही दिती है वह इस वास्ते दिती है तो अगला मिसरा पढ़िया अद्धी जिहड़ी रह गई है वह इहदी ज़ियारत विच मैं तैनू दे छड़ी है। अज तो बाद तू बादशाह तो मैं हाँ मलंग ये पता जे कौन सी बादशाह जड़ा इतने मलंग बनया ये सरकार कंबर सन ये सरकार कंबर सन जड़े बादशाह ही छड़ के ते आके इन्हां दी नौकरी की उस वेले मलंग ने फड़ के ना बादशाह का बाजू उन्हें आख्या भलिया लोका इन दियां शाहियां नहीं देंदा तोड़ दे जिसको अली पैबंद होता ही नहीं तोड़ दे जिसको अली पैबंद होता ही नहीं दे जिसे हैदर वो आज तमंद होता ही नहीं गम नहीं महताब को घर बाबे तोबा बंद हो वो चलिया इल्म के दर का कभी दर बंद होता ही नहीं। आदनी हो गई मैं अपनी ताकत तो ज्यादा पढ़ छड़िया पढ़िया नहीं मैं पाक हुसैन दे मैंबर की कसम है वह ना पढ़वाया मैं उस मेरे इन्नी ताकत ही नहीं सी सरदारा पढ़ाया आदमी हो गई जेड़ा शाइया तकसीम करे अन्या नू कतारां दे अन्या नू ते मंगतिया नू बादशाह बना दे असीं इस वक्त रोने आ उहदी धी इक चादर मंगदी टुर गई है बस पाक बीबी ये आते सन मुसलमाना मैं सच्ची मां की धी हाँ मैनू दे छोड़ो बाजार मैं लंघ गई तो मैं वापस कर दाँगी मौला तुहानू सलामत रखे मौला तेरिया धियां दे परदे सलामत रखे एको बंद पढ़ना है सिर्फ एक बंद पढ़ना है कातल इनामा तो रुसते ने पे कातल इनामा तो रुसते ने पे मकतूल दियां भैणां चुप करके वेख दियां ने पईआं मौला की कसम है तेरा रोण दे दिल होवे ना किसी ताकर नूं बुला ना किसी मौलवी नूं बुला थोड़ा जिहा पानी पा लिया गिलास विच ते पानी नूं वेख के आह ए पानी जी नूं ज़रा दा चन्न छिकदा टुर गया मौला तेरियां धीआं दे परदे सलामत रखे कातले नामा तू रुसते ने पे मकतूल दिया भैणा चुप करके पियां वेखदियां ने अल्लाह लानत करे ये शीशे मलाउन ते जिन्हें दीन का काबा टाया ये आया यजीद के दरबार में हाथ में ओ ही तलवार है यजीद इंज वेख के आंदा तू बड़ा वड्डा काम किया तू अहे केड़ा उन्हें आख्या जिहड़ा हुसैन नूं मारिया ये बगैरत आंदा तू हुसैन नूं मारन दा केड़ा काम सी हुसैन तो उस वेले मर गया सी जब अकबर जीन तो लथा सी मौला तेरिया धियां दे परदे सलामत रखे मौला तेरिया धियां दे परदे सलामत रखे मौला तुहानू अजरे अज़ीम अता फरमाए मौला तुहानू सलामत रखण उन्हें आखा दे याद रखी शबीर दे कतल दा मैं तेरे को लैना भी कुछ नहीं ओए अल्लाह लानत करे तेरे ते उन्हें आखे ते काम ही कोई नहीं मैं तेरे को इहदा लैना भी कख नहीं एक काम है जिहड़ा मैं बड़ा वजनी कीता ये बेगैरता दा कहड़ा कम ए मलून वेख के आ जा तू नहीं जानता मैं आल आबाद तंबुआ
मैं आल आबाद तमुआ अग लाइए सारा दे मौला सलामत रखे मैं आल आबाद तमुआ अग लाइए बिच सारा दे ओ मेरे खौफ तू ज़ैनब लुक लुक के रैया लबदी बाल बिराद यादा मैं नाल नजे दे लाए ने बुरके उथे जख्मी सारे छुरफा दे लैना मैं किए सज्जाद दे सामने अग दे विच मैं साड़न हथ